अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस, रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा किसी ज़माने में हमारे जो रोज़नामा जो ख़बरों के अखबार निकलते थे तो उनमें फिर एक ऐसा सिलसिला निकला। पहले तो एक कालम निकालते थे एंटरटेनमेंट के नाम से या फिल्मी दुनिया के नाम से या ऐसे जो उसमें फिल्म टीवी और थिएटर इस हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ को एक अलग से कालम में एंटरटेनमेंट के नाम से पेश करते थे। उसके साथ साथ जैसे जंग अखबार हुआ या दूसरे अखबार थे तो उनमें फिल्मी इश्तारात होते थे, तो मुझ जैसे फिल्मी जो शौकीन है तो वो इश्तारात और वो सफ़ा जो फिल्मी सफ़ा होता था उसको पूरा पढ़ते थे, देखते भी थे और ये मालूम करते थे कि आज कौन सी फिल्म लगी है और आने वाली फिल्में कौन सी हैं। तो उस वक्त जैसे ही फिल्म स्टार्ट होता था तो फिल्म के स्टार्ट होने के साथ ही, फिल्म बंदी के साथ ही, तो न्यूज़ का सिलसिला चल निकलता था और जब फिल्म बिल्कुल बन के तैयार होती थी, सेंसर होती थी, उस वक्त फिल्म की आई ऊपर तक पहुंच गई होती थी। लेकिन आजकल जो फिल्में आ रही है पता नहीं चलता कौन सी फिल्म कब बन रही है, कब आई और कब चली गई। तो जिस दौरान इन अखबार में फिल्मी न्यूज़ वगैरह छपते थे तो इसी तरह फिर बाद में मुख्तलिफ अखबार ने फिल्मी अलग से चार सफ़ात या दो सफ़ात के अलग से जो फिल्मी न्यूज़ होते थे रंगीन वो लगाने शुरू कर दिए और उसकी वजह से बहुत से जो फिल्मबीन थे तो वो भी इन अखबार को ख़रीदते थे। इसी तरह जंग अखबार भी हफ्ते में एक दिन, उसके बाद फिर अमन अखबार, बहुत से ऐसे अखबार थे जो मशरक़ हुर्रियत, तमाम अखबार एक अलग दिन, एक मखसूस दिन अलग सफ़ात, चार सफ़ात या दो सफ़ात का फिल्मी सफ़ा निकालते थे तो उसमें फिल्मी न्यूज़ होते थे, बड़ी अच्छी अच्छी रंगीन तस्वीरें होती थी। नाज़रीन, साथ साथ मैं एक बात की तरह से वजाहत आप लोगों से चाहता हूँ, शायद मैं यहाँ पे सही हूँ, कि जिस तरह जंग अखबार ने अलग से दो चार सफ़ात का रंगीन सफ़ा पेश किया था, उसके बाद चार से छः हो गए, फिर उसके बाद फिर टीवी भी उसमें डाल दिया, थिएटर भी, फैशन भी, सारी चीज़ें डाल दिए, तो उसके बाद ये हुआ कि उसने इसको छोटा सा एक जैसे संडे मैगजीन आजकल आ रहे हैं इस किस्म का एक रिसाला निकाला, फिर वो रिसाला निकलते निकलते फिर अखबार जहाँ की उसने शक्ल इख्तियार कर ली। अखबार जहाँ अब भी उसी आब व ताब के साथ शाया होता रहता है। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ एक ऐसे अखबार की तरफ जिसने आखिरी दिनों में जब फिल्मी अखबार या फिल्मी एडिशन पर पाबंदी लगने वाली थी तो आखिरी एक साल या डेढ़ साल के अंदर अंदर उन्होंने चार सफ़ात, आठ सफ़ात का ऐसा छोटा सा रिसाला निकाला और वो बहुत इट रहा, वो है हुर्रियत अखबार। हुर्रियत अखबार ने आठ सफ़ात का एक छोटा सा अखबार निकाला और ये भी हर मंगल को शाया होता था। तो इसकी इदारत जो थी अनवर मकसूद के ज़िम्मे थे, अनवर मकसूद से कौन वाकिफ़ नहीं, उसके जुमले, उनकी अदा, वो फिल्मी आर्टिस्टों से जो मुलाकातें, उनकी फिल्मी मालूमात, फिल्मों से उनका लगाव, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो नाज़रीन, मैं अब आता हूँ आप लोगों को ये बता दूँ कि जुलाई से या इससे पहले भी होगा लेकिन जब से मैंने लेना शुरू किया तो 7 जुलाई से पहला हुर्रियत अखबार का जो ये मंगल को जो फिल्म एडिशन शाया होता था तो वो मैंने लिया। इसके बाद फिर मैंने इसके बहुत से शुमारे संभाल के रखे हैं तो मैं चाहता हूं कि उन अखबार को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अनवर मकसूद उसको किस तरह खूबसूरती से निकालता था। तो ये सबसे पहला जो शुमारा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये है 7 जुलाई 1981 का। इसमें सबसे सर्वर पे अंजुमन की तस्वीर दी हुई थी, उसमें ये न्यूज़ लगा हुआ है अंजुमन अब सिर्फ दिन में शूटिंग किया करेगी, इसका ये न्यूज़ पर अंदर है। तो इन्हीं दिनों हमारे बहुत ही सीनियर अदाकार जिसने इंडियन फिल्मों में अदाकारी से शुरुआत की थी, फिर पाकिस्तान आकर उसने अदाकारी भी की, एज ए फिल्म साज, एज ए डायरेक्टर भी फिल्में बनाई, वो हैं कुमार। तो इन्हीं दिनों चल बसे तो उसके मतलब पूरा एक एक सफ़ा छपा हुआ है ये जो नसीर आप नसीर आसिफ ने लिखा हुआ है। उसके बाद उजालों के दाग के नाम से फिल्म साजों के सीने में दिल होता है, बाबरा शरीफ, अमृत धारा, मोहम्मद कवि, मजीद टोकरे गाने के लिए तैयार और नैया सुल्ताना सरापा फरियाद, ये है वो मकबूल जलीस का मकबूल कालम था
जो हर हफ्ते शाया होता था। इसमें नेहा सुल्ताना कहती है कि मैंने उमर का एक बड़ा हिस्सा फिल्म को दिया, मैं इससे किनारा कशी कैसे हो सकती हूँ, फिल्म साहब काम से काम दे तो मैं काम करूँगी। तो ये नेहा सुल्ताना की फरियाद थी। इसके साथ ही फिर अगले सफ़े में है इस हफ्ते टेलीविज़न की दुनिया, फिर तारिक सच्चा पाकिस्तानी मुनीर नियाज़ी ने 10 साल पहले लिखा हुआ कालम था, फिर इधर उधर से अवीस नसीर लिखते थे टीवी के बारे में, फिर रावलपिंडी की डायरी थी जो नासिर दुबेरी लिखते थे, इस तरह फिर फिल्म नगर लाहौर से भी कुछ खबरें थी, और आखिर में मेहमानदार सादिया नीलामगढ़ से रुख्सत होने की कहानी। ये नीलामगढ़ जो प्रोग्राम होता था तो तारिक अजीज़ के साथ दो लड़कियां भी होती थी जो मेहमानदार के हैसियत से तारिक अजीज़ के साथ साथ होती थी, तो एक अदाकारा थी मेहमानदार सादिया, ये उसकी तस्वीर है। उसके बाद जब हम अगला सफ़ा देखते हैं तो ये है उरियत का ये एडिशन है, ये है 27 अक्टूबर का ये उरियत एडिशन है, इसकी तस्वीरें आप देखें, नदीम शेफ बना रहा है, मोइन अख्तर है, और फिर आप नीचे आबिद अली की तस्वीर है, फिर काजी वाजिद की तस्वीर है। इसमें लिखा है तबाही के किनारे। अब तबाही के किनारे क्या है या आगे जाके देखते हैं। इसमें सफ़ा नंबर 2 पे जायद अकासी की तहरीर है, फिल्म नगर लाहौर की सर्दियाँ, और फिर ट्रेडमन के 17 साल ड्रामे का उरूज जवाल, ये इदारिया है। उसके बाद चालों के दाग हम सब चोरे, फिल्म साज तकसीमकार नुमाइशकार, ये मकबूल जलीस का लिखा हुआ लिखी हुई तहरीर है जो उन्होंने बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है। तो इसके साथ फिर अगले सफ़े में है ज़ेबा अली की तस्वीर कुछ, और फिर इसके साथ ही बाबरा शरीफ की एक खूबसूरत सी तस्वीर है, ये शबाब करानवी की फिल्म में जब काम कर रही थी। अगले सफ़े में है उरियत की नज़र में पाकिस्तान टेलीविज़न, तो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ड्रामे हैं जर्स, अलिफ नून, अफशा, 50 मिनट रात के साथ, नीलामगढ़, अलिफ लेला, उनके मुतल्लिक कुछ बातें हैं, फिर बातें हैं इधर उधर की, अवैस नसीर की तहरीर है और ये लाहौर में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ मोहम्मद अली साहब के कुछ जुमले हैं, किसी के पूछने पर मोहम्मद अली ने बोरान की वजह बताते हुए कहा, दरअसल काम नगर पर एक जैसी फिल्में बनने लगी तो फिल्मी कहानियों में अक्सरियत के बायस फिल्म भी वैरायटी से महरूम हो गए थे। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि फिल्मों में वैरायटी हो, मुख्तलिफ मौजूदात पर फिल्में तैयार की जाएं। इस सिलसिले में हम सबको एक लायबल तैयार करनी पड़ेगी। इसके पेचवर ये है पीछे मोइन अख्तर के साथ ही आपके सवाल और अनवर मकसूद के जवाब, और अनवर मकसूद खुद ही सवाल लिखते थे और खुद ही जवाब देते थे, तो कुछ सवाल जवाब मैं आपके सामने पेश करूँ। सवाल है कि कैफ़ी की अदाकारी के बारे में क्या ख्याल है, जवाब है कि आपकी माँ बहने नहीं है। क्या ये सच है कि कविता और संगीता की माँ ने न्यूयॉर्क में जींस पहनी थी, तो जवाब है जी हाँ, घबराहट में आदमी क्या कुछ नहीं करता। सवाल है कि अंजुमन इस वक्त पंजाबी फिल्मों की कामयाब रिव्यू ने और बाबरा उर्दू फिल्मों की, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो जवाब इन्होंने यूं दिया कि इन दोनों में 1 फिट 3 इंच का फ़र्क है। सवाल आपको मालूम कि वजमराज नदीम शाहिद मोहम्मद अली बेहतरीन बॉलिंग कौन करते हैं, जवाब है बेहतरीन बॉलिंग ही की वजह से ये चारों ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। सुना शमी मारा की नानी बहुत सख्त है, जवाब है जी हाँ सख्त है, फरीद अहमद का दिमाग भी इससे टकरा गया था। तो ये मजाया जवाब है अनवर मकसूद के, और फिर ये अगला जो एडिशन है ये इसमें नदीम और कविता की बहुत अच्छी तस्वीर है, और उसके पीछे मेहताब चन्ना की बातें हैं, और ये जो है 10 नवंबर का है, इसमें पे लाहौर की भी खबरें हैं जो यहाँ पे लेफ्ट कश्मीरी के जाने वालों ने नदीम पर कुछ वो बातें लिखी हैं, ये हम किसी और दिन पढ़ेंगे। तो अब आगे आते हैं, अगला पर्चा है उरियत का, इसमें जावेद शेख की तस्वीर है ये, और इसके बाद अगले सफ़े पर है लाहौर की डायरी है, लाहौर की फिल्में हैं। अगले सफ़े में मुनीजा जो नाजिया हसन और जोएब हसन की वालदा है उनकी तस्वीरें, और उसके साथ नाजिया जोएब की बचपन की भी तस्वीर हैं। तो मुनीजा कहती है कि बच्चों की कामयाबी से खुश होकर दुआएं मांग रही हूँ। अच्छा, सवाल जवाब का भी कालम है इसमें। इसके बाद अगले सफ़े पर है मीना शोरी की तस्वीरें हैं, मीना शोरी को गिला है कि बाबरा को चीख कब आती है, मुमताज़ को नज़ला क्यों हो गया है, मिजला ने चावल क्यों छोड़ दिए, इस
बोला कि अखबारों में इन पर न्यूज़ लिखे जाते हैं लेकिन हम सीनियर्स को अखबार भूल गए, हमारे मतलब कुछ भी नहीं लिखते। फिर आगे चलते चलते हैं मोहसिन अली का जो ड्रामा है ये फ्रीडम क्लब में पेश किया गया, और क्या ज़माना था कि फ्रीडम क्लब में इतने अच्छे अच्छे ड्रामे पेश किए जाते थे। अनवर मकसूद, सुभानी भाई यूनुस और मकबूल हसीना मोइन का ड्रामा है, हिदायत मोहसिन अली के हैं, तो ऐसे ऐसे ड्रामे भी होते थे। अगले सफ़े पर हम जाएंगे तो यहाँ पे है शमसुद्दीन अल्तमश की कहानी, जो जिसमें सरेवर्क में महमूद मसूद, जावेद शेख की तस्वीर थी, वो एक ड्रामे की थी। अगले सफ़े पर है ये तारिक अजीज़ नीलामगढ़ और अलिफ नून ड्रामा 81 का के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट सफ़े में है गुज़म फरेल दीप्ति निवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनवर मकसूद से कुछ बातचीत है। हम चाहते हैं कि नदीम साहब को अच्छे अच्छे किरदार दिए जाएं ताकि वो उनसे इंसाफ कर सके। फिर अगले सफ़े पर एक और दरिया का सामना था, मुनीर मुझको, ये मुनीर नाजी से ये बातें हैं फिदाए मत कारदार की। फिर फिल्म नगर लाहौर की सर्दियाँ, जैसे हम लोग लगते थे सरगर्मियाँ तो ये लगते थे सर्दियाँ, तो यहाँ पर आरजू से मुलाकात भी है सुल्तानाई पागलखाने में, शौकत अली अंडे और असद मंत्री खान। अच्छा, 50 मिनट दुरानी का एक प्रोग्राम चलता था टीवी से, फिर वहीदा खान की फिल्म बीविया है, बीविया के मुतल्लिक कुछ बातें हैं, और मैं नया अदाकार मुतारफ़ करा रहा हूँ रुस्तम खान में, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं। तो एक फिल्म बन रही थी बीविया है बीविया, ये सैयद नूर की लिखी हुई एक अच्छी कॉमेडी फिल्म थी जो न जाने क्यों फिल्म हो गई। इसके गाने अच्छे थे, इसकी वजह यह थी कि उफिया बीवियाँ के तर्ज की फिल्म थी। इसमें आसिफ अदाबी तीन शादियां करता है, नन्ना उसके दादा होते हैं, तो इसी किस्म की कॉमेडी फिल्म थी। इसके गाने अच्छे थे, अहमद शरफ ने बड़ी अच्छी धुनें बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिल्म क्यों कामयाब ना हो सकी। अब अगला फिर शुमारा, फिर कविता, और फिर ये बैक में कविता से अनवर मकसूद की बातचीत है, और इसके बाद आए सफ़ा नंबर 2 पर लाहौर की डायरी है, फिर आपके सवाल हमारे जवाब ये है अनवर मकसूद ने, उसके बाद फिर इसके इसी के इसके लास्ट सफ़े पर जो मैंने आपको पहले बताया कि कविता का इंटरव्यू है जो अनवर मकसूद ने लिया। अब आगे आते हैं ये इसमें उज़्मा गिलानी की बड़ी रंजीदा जैसी तस्वीर है, और इसके पीछे सवाल जवाब भी है, और बाबर शरीफ जो अदाकारी करते वक्त निज़ाम शमसी और बुए गुल तक को भूल जाती है, अब उसे क्या हो गया है, तो ये बाबर शरीफ के बारे में लिखा गया है। ये हमारे पास है 1981 का आखिरी फिल्म एडिशन, और इत्तेफाक से ये आखिरी फिल्म एडिशन है, बड़ा रंजीदा है। और हमारे कराची के जो ईस्टर्न स्टूडियो है उसके मालिक थे सईद हारून, उनका इंतकाल हुआ, ये समाजी और सियासी शख्सियत थे और बहुत ही लोगों से घुल मिलने वाली शख्सियत थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लाडला, जिसके प्रोड्यूसर थे ये सरे वर्क पे। लाडला फिल्म की जो ओपनिंग है उसका स्विच दबा कर इस फिल्म की ओपनिंग कर रहे हैं, और फिर बाद में ये पूरी इंडस्ट्री रंजिदा है क्योंकि उस वक्त के जो तमाम मेन आर्टिस्ट थे मोहम्मद अली, शमी मारा, वहीद मुराद, नदीम, ये सब कराची के ही आर्टिस्ट थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आज ईस्टर्न स्टूडियो उदास है। फिर शमी मारा, परवेज मलिक और महमूद अली, सुभानी भाई यूनुस, काजी वाजिद, जावेद शेख, उस्मान पीरजादा, महमूद मसूद, शकील, इन सब के ताज़ियती पैगाम हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ। अगले एक और प्रोग्राम में मैं बकिया जो है हुर्रियत अखबार के जो ये एडिशन से वो आपके सामने पेश करूँगा। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।